हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड जय माता जी टू एवरीवन। तो ये दिवाली के लिए मैंने मोहन थाल बनाया था, जो मैं हर साल बनाती हूँ और कृताश्कृति को भी काफ़ी पसंद है। और मैंने इसकी रेसिपी ऑलरेडी शेयर की है, तो मैंने कुछ शूट नहीं किया था। तो इसको मैंने कट कर लिया था और फिर ओवरनाइट उसको ठंडा होने के लिए ही ट्रे में रखा था, क्योंकि काफ़ी गर्म था, उसको ओवरनाइट रखना पड़ता है। तो वापस अगेन वहीं पे नाइफ़ घुमा रही हूँ जहाँ पे कट लगाए थे, ताकि इजीली निकल जाए। और इस मोहन थाल बनाने में मैंने मावा की जगह पे हम जो घी बनाते हैं, बाद में जो लेफ़्ट ओवर बचता है, जिसे किट्टू बोलते हैं या घी रेसिड्यू बोलते हैं, तो उसका मैंने यूज़ करके बनाया हुआ है। तो ये मिठाई जो है मुझे काफ़ी पसंद आती है, तो मैं हर साल बनाती हूँ। और एवरी टाइम जब भी मैं मोहन थाल इस ट्रे में सेट करती हूँ ना, मैं नीचे ऑयल लगाती हूँ, घी नहीं लगाती हूँ, ऑयल लगाती हूँ, ताकि इजीली निकल जाए। लेकिन ये साल मैंने घी लगा दिया, तो मुझे निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि थोड़ा क्लाइमेट भी जो है वह भी ठंडा हो चुका है, तो घी जो है नीचे सेट हो जाता है, हार्ड हो जाता है, तो इसीलिए निकालने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो कभी भी कोई भी स्वीट बनाए ना, तो कोशिश कीजिए कि थाली या प्लेट जो भी हो वो ऑयल से ग्रीस कीजिए। और इस सब को मैं फ्रिज में स्टोर करूँगी। मुझे काफ़ी जगह पे देनी भी रहती है, तो मैं ज़्यादा ही बनाती हूँ। और कृताश्रुति खरोज एक एक पीस लंच में या डिनर में खा भी लेते हैं साथ में, तो मेरे पास इतना बड़ा कोई डिब्बा नहीं है कि फ्रिज में आ जाए एक साथ मिठाई, तो मैं छोटे छोटे डिब्बों में भर के और फिर फ्रिज में रख दूँगी। और मैंने दिवाली में ये साल कुछ ज़्यादा बनाया भी नहीं है। मोहन थाल बनाया है, फिर शक्कर पारे बनाए हैं, सेव बनाई है और चकली बनाई है। वैसे मैं पूरी भी बनाती हूँ, फिर चौड़ा फड़ी भी बनाती हूँ, और भी कुछ बनाती हूँ, चेवड़ा बनाती हूँ, नान खटाई बनाती हूँ, लेकिन ये साल मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बनाया है, थोड़ा ही बनाया हुआ है। तो इतनी मिठाई के डिब्बे भर गए हैं, सारे मैं फ्रिज में रख दूँगी। और एक ये वाला डिब्बा है प्लास्टिक कंटेनर वाला, वो मेरे भाई के यहाँ पे मैं भिजवा दूँगी, क्योंकि वो अकेला है और कुछ बनाया हुआ नहीं है। तो जितना भी मैंने बनाया हुआ है उसमें से थोड़ा थोड़ा वहाँ पे भी भिजवाऊँगी, और बाकी के डिब्बे जो है फ्रिज में स्टोर कर लूँगी, क्योंकि मुझे भी और जगह पर भिजवाने हैं। कृताश्रुति के लिए न्यू सैंडल लिए, तो दोनों के सेम ही है, अलग कलर में मुझे चाहिए थे बट नहीं मिले मुझे, क्योंकि फिर अलग कलर में लेने के लिए जाती थी ना मैं, तो मुझे साइज़ सेम नहीं मिलती थी, तो मुझे सेम कलर के ही लेने पड़े। तो अभी इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाती है, किसका कौन सा है वो पता नहीं चलता है, तो मुझे अभी इसमें कुछ मार्किंग करनी पड़ेगी या कोई निशान बनाना पड़ेगा, ताकि मैं उन दोनों को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम ना हो कि कौन सा किसका सैंडल है। तो मैंने मार्कर ली है और कृतिक के सैंडल में मैं निशान कर रही हूँ, तो थोड़ा थोड़ा मार्कर से मैं जो वाइट कलर का लाइनिंग है उसे मैं फिल कर लूँगी, ताकि अलग है वो पता चले। तो सर्कल को मैंने किया और फिर मुझे लगा कि नहीं और कुछ करना चाहिए, तो फिर मैंने बीच में भी एक लाइन जो है वो मार्कर से कर दी। और मेरे हाथ में मोबाइल है, मैं शूट भी कर रही हूँ और कैमरा में ध्यान भी है और कलर भी कर रही हूँ यहाँ पर, तो थोड़ा यहाँ वहाँ हो रहा है कलर भी, तो इतना करके मैंने देखा फिर लगा नहीं थोड़ा और मैं कर लेती हूँ। तो मैंने बीच में भी लाइन एक जो थी वाइट कलर की उसे ब्लैक कर दिया मार्कर से। कृतिक है ना, वो ज़्यादा फुटवेयर तोड़ता है, हमेशा कृतिक के ही पहले टूटते हैं, और ये निशान भी जो है वो मैं कृतिक में ही लगा रही हूँ, ताकि दोनों फाइट ना करें। फिर क्या होता है, टूटा हुआ कृतांश को कृतिक दे देता है और बोलता है कि नहीं ये मेरा नहीं है, इसलिए निशान कर दिया ताकि पता चले कि किसका कौन सा है। और मैं बाथरूम की डीप क्लीनिंग जब भी की थी, तभी ये जो सेल्फ है बाथरूम की, वो एक साइड का स्क्रू जो है ना वो निकल गया। अभी राकेश जब भी लगाएंगे ना, तभी मैं उसको लगाऊंगी और अंदर का सामान जो है वो रखूंगी, तब तक ये ऐसे ही रहेगा।
माटे ज उभा छे कितने सारे रामा उधर भी है सबसे छोटा सबसे ज्यादा સાંજે આવશો ને तो अभी हम बाहर गए थे, कुछ सामान लेना था, सब्जी भी लेनी थी, तो बाहर गए थे, लेकिन राकेश को अर्जेंट काम है तो मुझे सब सब्जी जो है वो सैनिटाइज़ करनी है। लेकिन राकेश को अर्जेंट काम है तो राकेश ने कहा कि मुझे पैक पे मैं जो भी साइज़ का नाम बोल रहा हूँ वो लिख लो, तो बस मैं वही लिख रही थी। लेकिन कृतांश कृतिक बीच में बोले, मम्मी ये तो हम भी कर सकते हैं, हमें दो करने के लिए। तो फिर मैंने उनको ये काम दे दिया, नंबर ये जो भी साइज़ है वो लिखने के लिए। और मैं फिर सब्जी और जो लाई थी उसे साफ़ करने के लिए बैठ गई, क्योंकि मुझे उसको वॉश करके वापस सुखाने के लिए भी रखना था। ये ऑनियन में इतनी लाई, एक मतलब मत बोलो, जो एक मतलब मां भाई ने लपड़ी है ना। तो मैं बोलने जा रही थी लेकिन राकेश जो है वो कृतांश कृतिक को बता रहे थी कि क्या लिखना है। तो मैं बता रही थी कि मैं ऑनियन सिर्फ चार ही लेके आई हूँ, पाव किलो ही लेके आई हूँ। तो पहले मैं दिखा दूँ मैं क्या लाई हूँ। तो ये राकेश लेके आए थे, तो ये शुभ लाभ है, तो स्टिकर भी है और वो जो रोल है वो नीचे फ्लोर का स्टिकर है, बट उस पर ग्लू जो है ना, बटर पेपर हटाते हैं तो ग्लू ही नहीं है, तो वो मैं चेंज करवाने गई थी लेकिन वो आज बैठा नहीं था। और ऑनियन मैं चार क्यों लाई हूँ कि ये ऑनियन जो है वो इंडियन ऑनियन नहीं है, फर्स्ट टाइम मैंने यूज़ करने के लिए ले आई हूँ। उसने कहा कि ये केनिया के है ऑनियन, तो मैंने सोचा अच्छे नहीं लगेंगे तो मैं सिर्फ पाव ही किलो लाई हूँ, बाद में अगर ज़रूरत पड़ी अच्छे लगे तो मैं किलो लेके आई हूँ। फिर वो बॉक्स में है वो लाइट है, कलरिंग लाइट है, वो लेके आई हूँ, तो वो भी रात को लगाएंगे। और स्पिनेच लेके आई हूँ, मुझे स्पिनेच की सब्जी बनानी है कल, तो अभी मैं उसे साफ़ करके वॉश करके रख दूँगी। और बाकी की चीज़ें जो है मुझे सैनिटाइज़ भी करनी है, अभी मैंने लाके सिर्फ घर में ही रखी है डायरेक्ट, क्योंकि फटाफट आए और राकेश को अर्जेंट काम था तो मैं यहीं पे बैठ गई। और ये लाइट का मुझे अच्छा लगा कि ये मेड इन इंडिया है। और ओनियन का आप बोलोगे कि ये केनिया के लेके आई, क्या इंडियन नहीं अच्छे रहते हैं, बट सच में बोलूँ देसी ओनियन जो थे ना वो मुझे अच्छे, मैं दो बार मार्केट घूमी लेकिन मुझे कहीं पर अच्छे नहीं मिले। और गीले टाइप थे, तो मैं बीच में लाई थी, थोड़े मेरे गीले आ गए थे तो अंदर से ख़राब निकले थे, तो ये वाला मैं लेके आई इस बार। इसका भी रेट ज़्यादा ही था, कुछ 80 रुपीज़ केजी आए ये, तो मैं तो पाव किलो ही लाई देखने के लिए कि कैसे है, अगर मुझे नेक्स्ट टाइम देसी ऑनियन अच्छे मिलेंगे तो मैं वही लूँगी। अच्छा।
तो फ्रेंड्स अब हम पटाखे ला रहे हैं। देखिए इतने सारे पटाखे, चकरी है, चंद्रिका फुलझड़ी, चार फुलझड़ी पैकेट, चार और चार बॉक्स और रस्सी। और ये देखो ये बॉक्स इतना बड़ा है ना, लेकिन फुलझड़ी अब देखो छोटी छोटी। ये लोग ने चेक नहीं किया, मैं नहीं थी वहाँ पे और खरीद लिया। ये लोग ने कितना रुपया लगाया था ना? अना छोकरा तो कहता था सस्ता में दे दिया, भाई वधारे दे दीदा। अना 127 रुपीस। तो मेरे पास लास्ट ईयर की फुलझड़ियाँ काफ़ी सारी पड़ी थी और थोड़े बहुत दूसरे फवारे और चकली वो सब पड़ा था। तो ये साल का कुछ ज़्यादा नहीं लाया, राकेश ने थोड़ा लेके दिया। और धूम धड़ाके वाला बॉम वो सब हमने नहीं लिया। एक्चुअली मुझे तो ऐसा ही था कि फटाके अलाउड नहीं है, तो मैं लेने के लिए ही नहीं गई। लेकिन नीचे सब बच्चों ने बोला कि नहीं आंटी फटाके मिल रहे, हम लोग फोड़ रहे। तो थोड़े बहुत राकेश ने लेके दिए, ज़्यादा नहीं लिए। अगर ज़रूरत लगी तो लेके आएंगे, क्योंकि लास्ट ईयर के भी जो है वो अभी तक है मेरे पास, तो वो थोड़े फोड़ेंगे। फिर उसको पूरा साल भर संभालना पड़ता है, अगर बच्चे फिर रह जाते हैं, बच्चे नहीं फोड़ते हैं। तो इसीलिए ये साल मैं थोड़े ही लेके आई, अगर ज़रूरत पड़ी तो राकेश दूसरे लेके आएंगे। और मुझे फटाके फोड़ना इतना पसंद नहीं है, मैंने बचपन से ही फटाके नहीं फोड़े हैं। मेरे भाई और मैं लेते ज़रूर थे, मैं भी लेती थी फटाके, लेकिन फोड़ती नहीं थी, फिर मेरे भाई को ही दे देती थी। कृतांश श्रुतिक भी अभी छोटे छोटे जो बॉम्ब भी आते हैं ना, वो भी नहीं फोड़ते। ये सिर्फ नॉर्मल फुलझड़ी है, फुआरा, चकली, फिर रस्सी, बस वही छोटा छोटा जो आता है ना वही फोड़ते हैं। बड़े बॉम्ब जो रस्सी बॉम्ब वो सब आते हैं वो तो हमने खरीदे ही नहीं है अभी तक। तो फ्रेंड ये देखिए 14 नवंबर को लगी नहीं मिली है। लग जा लग जा लग जा लग जा लग जा मास्क पहन बेटा, એટલે ફોન ધુમાડો ન જાય નાકમાં। અરે જલ્દી લગના ના, મેં લગા દેતા હું નહીં। ये पहली बार है जब हमने अनार फोड़ा, पहले तो हम डरते थे। પૂર્તિ કર, થવા દે, થોડું થવા દે, થયું થવા દે, તો મેં મેરે ફ્રેન્ડ્સ કે સાથ મોલ મેં ગઈ થી, હમારે પાસ હી મેં મોલ થે। तो काफ़ी दिन बाद हमें, काफ़ी दिन बोले तो काफ़ी महीनों बाद मिले, जब से लॉकडाउन हुआ तब से मिले ही नहीं थे। तो फिर प्लान किया कि दिवाली के पहले एक बार मिल लेते हैं। तो बस मॉल में यहाँ वहाँ घूमे, और नाश्ता तो मैं घर से खुद बना के लेके गई थी, मैं खमन बना के लेके गई थी, तो हम सब ने खाए थे। और बच्चों में से फ्रुता श्रुतिक और ये श्रुति ही थे। और बस ज़्यादा कुछ मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि फिर फ्रेंड्स के साथ ही मैंने टाइम स्पेंड किया था ज़्यादा। तो जो थोड़े बहुत फ़ोटो थे वो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ।